नमस्कार दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे ट्यूब चैनल प्रियंका स्टोरी में आपका स्वागत है। कृपया लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और घंटी आइकन बेल दबाना न भूलें। धन्यवाद। अरुण स्कूल स्टोरी। माँ, मेरी चोटी बहुत तंग है, अरुणा ने कहा। बहुत जल्द आपको इनकी आदत पड़ जाएगी, रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरुणा ने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कहेंगी, क्योंकि अरुणा वास्तव में एक लड़का है जिसका नाम अरुण है। उसके बाल बनाने के बाद रेखा ने फूलों को अपने बालों में पिन करने के लिए लिया। अरुण ने तुरंत कहा नहीं, लेकिन रेखा ने एक सख्त लुक दिया और फूलों को अपनी चोटियों में पिन कर लिया। अरुणा, जल्दी से आकर नाश्ता कर ले, आपके मित्र जल्द ही यहाँ होंगे। सबसे पहले तो मेरा नाम अरुणा नहीं है और वे मेरे दोस्त नहीं है, अरुण ने गुस्से में कहा। पहली बात तो अरुण को नहीं देखता, स्कूल की एक जवान लड़की को ही देखता हूँ। चूड़ी में करीने से तैयार हो गई, रिबन लगी दो चोटी, चूड़ी, पायल, बिंदी और बालों में फूल पहने हुए। दूसरी बात, लड़कियां आपकी दोस्त हैं, आप उनके साथ स्कूल जाते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं, आप उनके साथ खाते हैं और आप उनके साथ घर आते हैं, रेखा ने कहा। अरुण को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ भी बोल सकता था। तभी लड़कियां घर आईं और वह स्कूल की ओर चलने लगा। ये सब एक साल पहले शुरू हुआ था। वह अपने पसंदीदा क्रिकेटर की तरह ही अपने बाल लंबे रखना चाहते थे। जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ती गई, उसकी माँ और स्कूल के प्रिंसिपल ने उससे बाल कटवाने के लिए कहा, लेकिन उसने बाल नहीं कटवाए। जैसे जैसे उनके बाल और भी लंबे होते गए, उनके प्रिंसिपल ने उनसे फिर से बाल कटवाने के लिए कहा। अरुण ने भी बाल कटवाने की सोची। तभी उसकी क्लास की एक लड़की, जिसका नाम नेहा है, नेहा, वह अपने बाल काटने वाला है, वह अपनी माँ और प्रिंसिपल से बहुत डरता है। अरुण, मैं किसी से नहीं डरता, मैं अपने बालों को आपके बालों से अधिक लंबा कर सकता हूँ। नेहा, ओह सच में? जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे बाल मेरे कूल्हों तक हैं। आप अपने बालों को इतना लंबा नहीं कर सकते, आप बहुत डरे हुए हैं। अरुण, तुम्हें पता है क्या, मैं अपने बाल तुमसे लंबे करने वाला हूँ। नेहा, मान लो बाल कटवाओ तो मर्द नहीं, क्या आप सहमत हैं? पूरी क्लास देख रही थी। अरुण, मैं मानता हूँ, मैं इसे आपको साबित करूँगा, आदमी अपने वादे नहीं तोड़ता। यह उस दिन और एक सप्ताह पहले शुरू हुआ था। उनके प्रिंसिपल उनके व्यवहार से तंग आ चुके थे, इसलिए वह अरुण को अपने कमरे में ले गए और कुछ महिला शिक्षकों को भी बुलाया। प्रिंसिपल, ठीक है टीचर्स, चूंकि अरुण लड़कों की तरह बाल नहीं कटवाता, वह लड़कियों के रूप में तैयार हो गया है। अरुण चौंक गया, तो शिक्षक भी? उन्होंने शिक्षकों की लड़कियों को वर्दी सौंपी और उन्हें अपने कपड़े बदलने के लिए कहा। वह बाहर इंतजार कर रहा था जबकि शिक्षकों ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे तैयार करना शुरू कर दिया। अरुण उन्हें रोक नहीं सका। 30 मिनट के बाद दरवाजा खोला गया और शिक्षकों ने अरुणा को अपने साथ बाहर खींच लिया। अरुणा को चूड़ी पर देख खुश हुए प्रिंसिपल, हो गए बाल। प्रधानाचार्य, तो शिक्षकों, आप सभी को अरुणा के साथ एक लड़की की तरह व्यवहार करना होगा, उसे लड़कियों के साथ बैठना पड़ता है। अरुण हक्का बक्का रह गया। टीचर्स ने हंसकर कहा, ओके। एक शिक्षक उसे कक्षा में ले गए। पूरी कक्षा स्तब्ध रह गई और निर्देशानुसार उसे लड़कियों के साथ बैठने के लिए कहा गया और प्रिंसिपल ने सभी लड़कों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि वे अरुणा को न छेड़े, अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे। वह नेहा के पास बैठ गया। नेहा के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान है। नेहा, तुम चाहो तो आज बाल कटवा सकते हो, लेकिन याद रखें, पुरुष वादा नहीं तोड़ते। मुझे आशा है कि आप एक आदमी हैं। अरुण को कुछ पता नहीं है कि क्या करना है। इस बीच प्रिंसिपल ने अरुणा की माँ को सब कुछ बता दिया। पूरे दिन वह उदास था। नेहा और लड़कियां उसे चिढ़ाती रहीं। वे उसे उसके घर तक ले गए, क्योंकि सभी लड़कियां एक ही सड़क पर रहती हैं। वह शर्म से घर में घुस गया। वह नहीं जानता कि उसकी माँ को उसकी नई वर्दी के बारे में पहले से ही पता है। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, रेखा उत्साह के साथ उसके पास आई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ चीजें गायब हैं, जैसे चूड़ियां, टखने, झुमके। अरुण, तुम सच में लड़की जैसी लगती हो, तुम बहुत सुंदर हो, रेखा कहा। वह दिन के लिए काफी शर्मिंदा था। वह अपने कमरे में गया और रात के कपड़े पहनकर अपनी माँ के पास गया। माँ, क्या आप मेरे बालों में मेरी मदद कर सकती हैं, अरुण से पूछा। रेखा मुस्कुराए और उसे अपने सामने बैठने को कहा।
जैसा उसने किया, उसने रिबन और चोटियां हटा दी। फिर उसने तेल लगाया और ब्रश करना शुरू कर दिया। अरुण नेहा से किए गए वादे के बारे में सोच रहा था। उसे अपने बालों को अपने कूल्हों तक बढ़ाना होगा। माँ, मेरे बालों को मेरे कूल्हों तक बढ़ने में कितना समय लगता है? अरुण से पूछा। रेखा वार इससे हैरान। कम से कम 3 साल, रेखा ने कहा। उसने सिर हिला दिया। क्या आप अपने बालों को अपने कूल्हों तक बढ़ाना चाहते हैं? रेखा से पूछा। अरुण ने हाँ में सिर हिलाया। रेखा को नेहा से किए वादे के बारे में नहीं पता। तो क्या लड़कियों की वर्दी आपको सही लगी या नहीं? रेखा से पूछा। यह मुझे फिट लगा। क्यों? अरुण से पूछा। मैंने पहले ही कपड़ा खरीद लिया है, मुझे बस आपके माप की जरूरत है, आपकी नई वर्दी के लिए, रेखा ने कहा। रेखा उत्साहित थी। वह रोजाना उसके बाल बना सकती थी, उसे एक लड़की के रूप में तैयार कर सकती थी, उसे घरेलू काम भी सिखा सकती थी। शनिवार दूसरा शनिवार है, इसलिए छुट्टी है। सोमवार को उन्होंने स्नान किया और बिना किसी विकल्प के उन्होंने अपनी नई वर्दी पहनी, लेकिन अपना दुपट्टा कर सके। रेखा ने इसे लिया और उसे दिखाया, इसे कैसे मोड़ना है। फिर उसने इसे उसके कंधों पर पिन कर दिया और उसकी छाती पर भी आकार बना दिया। अगर आपको दुपट्टा के साथ किसी भी मदद की जरूरत है तो अन्य लड़कियों से मदद के लिए पूछें, रेखा ने कहा। अन्य लड़कियों ने अरुण को सोचा। फिर उसने उसके बाल बनाना शुरू कर दिया। अरुण कल से थोड़ा जल्दी उठना है, लड़की बनकर तैयार होने में टाइम लगता है, रेखा बोली। अरुण ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन वह अपनी माँ से सहमत हो गया। अरुण के नाश्ता करते समय रेखा अपने कमरे में चली गई। माँ, मैं जाने को तैयार हूँ, अरुण बोला। अभी नहीं, रेखा बोली। वह उसके पास आए और उसके हाथों में चूड़ियां डालने लगी। अरुण ने उसके हाथ खींच लिए। रेखा ने उसकी ओर देखा और गुस्से में, जैसे वह उसे पीटने वाली हो। अगर आप एक लड़की के रूप में स्कूल जाने वाली हैं, तो सभी लड़कियों की तरह ही उपस्थित हों, आवश्यक चीजें पहने या अपने बाल काटें और एक लड़के की तरह जाएं, रेखा ने गुस्से में कहा। चूड़ियों के बाद उसने उसके कान की लोबों में छोटे झुमके और पैरों में पायल डाली। बस उसकी क्लास की लड़कियां उसके घर आ गईं। हाय आंटी, नेहा बोली। नमस्ते नेहा, कैसे हो? रेखा से पूछा। मैं ठीक हूँ आंटी, कैसे हो? नेहा से पूछा। मैं ठीक हूँ। तो सारी लड़कियां यहाँ क्यों आईं? रेखा से पूछा। दरअसल हमारी सभी क्लास की लड़कियां एक साथ स्कूल जाती हैं, इसलिए हम अरुणा को लेने आए, नेहा ने कहा। अरुण को बहुत गुस्सा आया और रेखा अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी। वो जाने को तैयार है, रेखा बोली। उसने कोई फूल नहीं पहना था, नेहा बोली। अभी मेरे पास फूल नहीं है, लेकिन कल से वो आप सब की तरह ही फूल पहनेगी, रेखा बोली। नेहा ने बहुत सारे फूल पहने हुए थे, इसलिए उसने कुछ लिया और रेखा को दे दिया। रेखा उन्हें शहर के आधे हिस्से में काटती है और अरुण की ओर चलती है। अरुण रेखा को गिड़गिड़ाती आंखों से देखता है, लेकिन रेखा उसकी दो चोटियों पर फूल